डिंडौरी में सीएम शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने लाडली बहना सम्मेलन में शिरकत की। कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने डिंडौरी जिले की तारीफ की और कहा कि यहां बेटियों का सम्मान होता है। उन्होंने लाडली बहना योजना की जानकारी दी और कहा कि इससे बहनों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। शिवराज सिंह चौहान ने जिले को कई योजनाओं की सौगात भी दी। सीएम और राज्यपाल ने मंच से डिंडौरी नर्मदा यात्रा की वेबसाइट का भी अनावरण किया। इससे पहले सीएम ने जनजातीय कल्याण केंद्र में पौधारोपण और गौशाला का निरीक्षण किया और सिलगी नदी पर 75 लाख रुपए की लागत से बने घाट का लोकार्पण भी किया। उन्होंने जनजातीय कल्याण केंद्र में 18 करोड़ की लागत से बने बालक बालिका स्कूल का लोकार्पण भी किया। ये डिंडौरी मध्य प्रदेश में वो जिला है कि जहां बेटों से ज्यादा बेटियां जन्म लेती है। ये डिंडौरी है, एक बार जोरदार ताली बजाइए, ये साधारण घटना नहीं है। मैं सचमुच में हृदय से आभारी हूं। कई जिले ऐसे जहां 1000 बेटों पर 900 बेटियां पैदा हो रही है, लेकिन ये डिंडौरी है जहां 1000 बेटों पर 104 बेटियां जन्म लेती है। ये 1000 रुपया हर महीने डाल दिए जाए तो मेरी बहनों की जिंदगी सुधरेगी और उनके बच्चों का भविष्य अच्छा बनेगा। और इसलिए मेरी बहनों, एक दिन रात में सोचते सोचते मैंने तय कर लिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय कर लिया कि अब हर बहन के खाते में हर महीना 1000 रुपया डाले जाएंगे हर महीना। बात प्रसन्नता के साथ ये कह रहा हूं कि आज 10वीं के परीक्षा परिणाम आए हैं और उसमें डिंडौरी जिला 53 में से 5वें नंबर पर आया है 10वीं के रिजल्ट में। तो ताली बजा के अपने सब बेटा बेटियों का अभिनंदन करें और डिंडौरी अब 5वें पे नहीं, आने वाले समय पे नंबर 1 पे आए, इसके लिए प्रयास करें। बहुत बहुत बधाई।